Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Dear students, as you know that we are discussing about thermodynamics in physical chemistry. And during our last discussion, we have talked about some aspects of thermodynamics like concept of heat and work. We also discussed about energy and thermal equilibrium. In thermal equilibrium, we talked that a thermodynamic system is assumed in thermal equilibrium whenever pressure, volume, temperature and entropy इनमें से कोई दो जो स्वतंत्र ऊष्मागतिक निर्देशांक जो हैं वो अगर स्थिर रहते हैं तो उस केस में हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ऊष्मीय संतुलन में मानते हैं. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीरोथ लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ थर्म टेम्परेचर. मीनवाइल वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर हम जीरो लॉ की बात करें तो यदि तीन निकाय जिनको अगर हम ए बी और सी से डेजिग्नेट करें तो उनमें से अगर सी निकाय अलग अलग ए और बी के साथ उसमें संतुलन में होता है तो ए और बी भी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में माने जाते हैं. इसको हम ऊष्मागति का शून्यांक नियम या जीरोथ लॉ भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वे सभी निकाय या वस्तुएं जो परस्पर उसमें संतुलन में हैं उनमें एक कॉमन जो गुण पाया जाता है जिसे टेम्परेचर कहते हैं. टेम्परेचर ऊष्मा प्रवाह की दिशा का भी हमें सेंस या बोध करवाता है. फॉर एग्जांपल, यदि ए का ताप बी से अधिक है तो ऊष्मा फ्लो जो है वो ए से बी की ओर होगा. इसी प्रकार यदि बी का टेम्परेचर ए से अधिक है तो ऊष्मा फ्लो जो है वो बी से ए की तरफ होगा. डिस्टेंस ऊष्मा गति की का प्रथम नियम एग्जाम के पर्पज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसको हम डिस्कस करेंगे. इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वैकल्पिक कथन होता है. अर्थात ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है. यद्यपि इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम ट्रांसफ़र या स्थानांतरित कर सकते हैं. यह नियम मानव के संचित अनुभवों पर आधारित है. अभी तक इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं मिला है, अतः यह सर्वमान्य है. डियर स्टूडेंट्स, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है जो मूल रूप से समान हैं. फॉर एग्जांपल, किसी प्रक्रम में यदि ऊर्जा के एक रूप की निश्चित मात्रा लुप्त होती है तो उसकी तुल्य मात्रा दूसरे रूप में प्रकट होती है. ये भी ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम का स्टेटमेंट हम मान सकते हैं. दूसरे रूप में ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो किसी तंत्र या सिस्टम तथा उसके सराउंडिंग या परिपार्श्विक की कुल ऊर्जा नियत रहती है, यद्यपि वह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है. इसी प्रकार एक और स्टेटमेंट के रूप में अगर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम डिफाइन करना चाहें तो लेट मी टेल यू दैट एक ऐसी शाश्वत गति यंत्र का निर्माण असंभव है जो समान मात्रा में ऊर्जा लिए बगैर उसके समतुल्य कार्य का उत्पादन कर सकता है. डियर स्टूडेंट्स, कार्य किसी भी रूप में प्राप्य ऊर्जा की कीमत पर ही उत्पन्न किया जा सकता है. इसलिए एक निरंतर गति मशीन को बनाना कभी संभव नहीं है. अर्थात ऊर्जा के स्रोत से ऊर्जा प्राप्त किए बिना निरंतर उपयोगी कार्य उत्पन्न करने के लिए यंत्र का निर्माण इम्पॉसिबल है. स्टूडेंट्स,
इसके बाद में हम बात करेंगे फैक्ट्स एस्टेब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की वैधता को प्रमाणित करने वाले अगर कुछ तथ्यों की हम बात करें तो लेट मी टेल यू कि जब यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा की प्रत्येक कैलोरी को 4.185 × 10⁷ अर्ग कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि क्यू कूलाम विद्युत को वी वोल्ट विभवांतर वाले प्रतिरोध तार में से प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्यूवी अपॉन 4.185 कैलोरी होती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का खंडन केवल नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E=mc² के द्वारा इसका निराकरण होता है। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि 1 ग्राम द्रव्यमान लुप्त होने पर 9 × 10⁻²० अर्ग ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्टूडेंट्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सेंस में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए हमें इसको याद रखना है। 1 ग्राम द्रव्यमान अगर लुप्त होता है तो 9 × 10⁻²० अर्ग ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो कि E=mc² होता है की पुष्टि में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार एक आइसोलेटेड तंत्र का कुल द्रव्यमान और ऊर्जा स्थिर रहते हैं। एक आइसोलेटेड या विलगित तंत्र उसको माना जाता है जो तंत्र परिपार्श्विक से ना तो ऊष्मा या द्रव्यमान दोनों में से किसी का भी आदान प्रदान नहीं करता हो। डियर स्टूडेंट्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की गणितीय अगर सूत्र की अगर हम ड्राइव करना चाहें तो उसके लिए यदि साम्यावस्था पर किसी निकाय को क्यू ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा का कुछ भाग बाह्य कार्य जो कि W से हम इसको डिनोट करते हैं करने में प्रयुक्त होता है, तथा शेष भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि जिसको ∆E से हम डिनोट करते हैं करने में कंज्यूम होगा, प्रयुक्त होगा। तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो Q=∆E+W जो कि हमारी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है समीकरण के रूप में। एक अनंत जो कि लघु या इन्फिनाइट स्मॉल प्रक्रम की दिशा में इस समीकरण को हम चेंज करके ∆E=Q−∆W के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ NE जो है वो एनर्जी एक अवस्था फलन है, अतः ∆E एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, जबकि Q और W अवस्था फलन नहीं है, ये पथ फलन है दोनों ही, इसलिए ∆Q और ∆W इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल या अवकलन होंगे। किसी तंत्र की विभिन्न परिस्थितियों में जो स्थितियां संभव हो सकती हैं उनमें से एक स्थिति यह है कि यदि तंत्र आइसोलेटेड या विलगित रूप में प्रयुक्त होता है तो वह अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का एक्सचेंज या विनिमय नहीं करता है, अतः परिवर्तन रुद्धोष्म परिस्थितियों में होगा और ऊष्मा परिवर्तन ∆Q का मान यहाँ 0 मानेंगे, तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम गणितीय रूप में अगर लिखना चाहें तो ∆E=0−∆W के रूप में लिखना होगा। इट मीन्स ∆E=−∆W या ∆E+∆W=0 के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थात ऊष्मा एक्सचेंज या हीट एक्सचेंज ना होने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी किए गए कार्य के बराबर होती है। यहाँ माइनस जो है वो कमी को दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, यदि तंत्र परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए मूल अवस्था में
स्टार्टिंग वाली अवस्था में वापस आ जाता है, अर्थात सक्रिय प्रक्रम होता है। तब चक्र के पूर्ण होने पर ऊर्जा परिवर्तन शून्य होगा, इट मीन्स डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो। अर्थात तब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम गणितीय रूप में अगर लिखना चाहें तो ये जीरो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू होगा, इट मीन्स डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्लू। अर्थात तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है। ये चक्रीय प्रक्रम के लिए इस ऊष्मागतिकी का प्रथम रूप का गणितीय स्वरूप होगा। डी स्टूडेंट्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कुछ लिमिटेशंस या कमियां भी हैं, तो उनकी अगर हम चर्चा करें तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से इस तथ्य को नहीं समझाया जा सकता है कि स्वतः परिवर्तित या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ही दिशा में संपन्न क्यों होती है, विपरीत दिशा में ये क्यों संपन्न नहीं होती है। इस नियम के अनुसार केवल वही रूपांतरण संभव है जिनमें तंत्र तथा परिपार्श्विक की ऊर्जाएं मिलकर परिवर्तन के दौरान समान रहती हैं, लेकिन यह इस तथ्य को समझने में असफल है। गेंद पहाड़ से नीचे की ओर स्वतः लुढ़क सकती है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं। गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, यही तथ्य जो है वो ऊष्मा गैस और विद्युत के लिए भी सही है। सभी स्वतः परिवर्तित या स्पॉन्टेनियस प्रक्रम तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक कि साम्यावस्था प्राप्त नहीं होती है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार ऊष्मा एक गर्म पिंड से परिपार्श्विक के सराउंडिंग की ओर तब तक प्रवाहित होगी जब तक कि पिंड और परिपार्श्विक साम्यावस्था में नहीं आ जाएंगे। इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर स्वतः परिवर्तित प्रक्रम की अभिलाक्षणिक दिशा और अंतिम साम्य के लिए कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अकेले ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस या प्रक्रम है वो स्पॉन्टेनियस या स्वतः गठित होगा या नहीं। इसी प्रकार कार्य की अवधारणा की अगर हम बात करें तो कार्य बल के प्रभाव को दर्शाता है, यह किसी बाह्य बल के विरुद्ध होता है। यदि कार्य यांत्रिक है तो बल भी यांत्रिक होगा, यदि विद्युत बल है तो कार्य भी विद्युत होगा। गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य प्रसार कार्य कहलाता है। प्रत्येक प्रकार का कार्य दो गुणांक के बराबर होता है, तीव्रता गुणांक और धारिता गुणांक। फॉर एग्जाम्पल, जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसके माप को कार्य का तीव्रता गुणांक कहते हैं। बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से तंत्र में हुए परिवर्तन को हम धारिता गुणांक कहते हैं, और इन दोनों गुणांकों के बराबर प्रत्येक प्रकार का कार्य होता है। स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट डिस्कशन में हम कार्य के बारे में डिटेल से बात करेंगे, और तब तक के लिए आप अपनी स्टडी और अपनी हेल्थ का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।